ने बीए कर रखी है जी फार्म के लिए ब्रीड का की क्वालिटी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि हमने ये देखना है कि कितने टाइम में वो 100 केजी का हो जाता है। कम से कम 7 मंथ के अंदर 100 केजी का हो जाता है। मेरा टर्नओवर कम से कम 60 लाख रुपए करीब है। इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में पास वाले घंटे का बटन जरूर दबाएं जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर सबसे पहले एक परिचय दें अपना। मेरा नाम रोबिन है, मैं गांव चोरकास्ते का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट मेरी करनाल है जी। तो रोबिन जी, अगर एजुकेशन की बात करें, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मैंने बीए कर रखी है जी। तो बीए करने के बाद आप पिकरी लाइन में कैसे आए? ये काम मेरे फादर साहब ने किया था जी, मेरा भी इसके प्रति लगाव हो गया। जैसे फादर साहब को काम करते देखा था, ऐसे ऐसे मैं भी इसी लाइन के अंदर आ गए। क्या रेट का बिकता है सर आपका जानवर? जो 146 रुपए पर केजी का फैटनर का रेट है जी। जो बच्चे का रेट है वो 10 से 15 केजी का बच्चा 3500 या 3600 रुपए का सेल हो जाता है जी। कहाँ सेल होता है सर ये माल? ये फार्म पे ही सेल हो जाता है। अच्छा, फार्म से उठ जाता है सारा माल। जी, बिल्कुल जी। दूसरा, और किस तरह की इसमें कोई बीमारी वगैरह किसी तरह की? जो मुख्य बीमारी स्वाइन फीवर FMD की है जी, उसकी टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन करनी पड़ती है जी। समस्याएं आपको क्या क्या इसमें आई थी स्टार्टिंग में सर, या अभी क्या क्या आपको समस्याएं इसमें आ रही हैं? अभी तो कोई समस्या ही नहीं रही है जी, स्टार्टिंग में भी कोई समस्या ही नहीं। अगर कोई युवा 10 पिक से स्टार्ट करना चाहता है, कितना खर्चा उसको आएगा, क्या उससे मुनाफा ले सकता है? कम से कम ये 3 लाख रुपए के करीब उसका खर्चा आ जाएगा जी। कैसे कैसे सर? एनिमल खरीदना, फीड खरीदना, उसकी पहले एडवांस में थोड़ा मेडिसिन रखना, नॉर्मल मेडिसिन कह देते हैं वो फार्म पे रखना। और शेड का सर, शेड का क्या खर्चा आएगा? जो शेड है 100 फुट की शेड बनाने में कम से कम 4 लाख रुपए खर्चा हो जाता है। सस्ते जुगाड़ में बना सकते हैं उसको? बिल्कुल जी। सर कुछ लोग कहते हैं पिक फार्मिंग जो प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, नुकसान हो जाता है, फार्म बंद हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है सर फार्म बंद? अपनी कमी के अंदर बंद होते हैं जी, क्योंकि उनकी मेडिसिन टाइम टू टाइम नहीं करना, गर्मी और सर्दी के अंदर उसको किस टाइम नलाना, किस टाइम उसको टेम्परेचर देना है, ये मैनेजमेंट के अंदर आता है जी। यानी रिलैक्स, जितना रिलैक्स रहेगा एनिमल उतना वो ज्यादा वेट गेन करेगा जी। बिल्कुल जी। और फार्म प्रॉफिट में जाएगा। क्या खिला रहे हो आप इनको सर? मैं अपना खुद का फीड बना रहा जी। कंपनी का नहीं ले रहे हो आप? नहीं जी। क्यों सर? क्योंकि कंपनी है अपना मार्जिन निकाल लेगी, आगे डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं वो भी अपना मार्जिन निकाल लेगा जी। फार्मर के पास फीड आएगा का रेट ज्यादा हो जाएगा, फार्मर कुछ बचा नहीं पाएगा। बचा नहीं पाएगा। टर्नओवर कितना है सर आपका साल का? मेरा टर्नओवर कम से कम 60 लाख रुपए करीब है। दूसरा सर ये बताइए कि जो युवा हैं, जो उस काम को स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको ये सोचते हैं मार्केटिंग की समस्या इसमें है, तो क्या मार्केटिंग की समस्या इसमें है क्या? बिल्कुल नहीं है जी, क्योंकि ट्रेडर है वो फार्म से माल उठा के ले जाते हैं जी और कैश पेमेंट कर देते हैं जी। कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं है जी। और कितनी लेबर चाहिए होती है सर? अभी कितनी लेबर आपके फार्म पे? मेरे फार्म पे 2 लेबर है जी। कितने एनिमल है? 300 एनिमल है जी। 300 एनिमल पे आप 2 लेबर बहुत है? बिल्कुल बहुत है जी। कैसा महसूस कर रहे हो सर? मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। कितने साल आपको हो गए इसमें जुड़े हुए? जो मुझे तो जुड़े हुए तो कम से कम 12-13 साल हो गए। कितने एनिमल से आपने स्टार्ट किया था? मैंने 20 एनिमल से स्टार्टिंग किया। क्या खर्चा आया था उस टाइम? उस टाइम 2.5 से 3 लाख रुपए खर्चा आ गया था। अच्छा, और आज कितने एनिमल है सर? आज मेरे पास 300 एनिमल के करीब है जी। ब्रीड कौन सी है सर आपके पास ये? मेरे पास लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर ब्रीड है जी। क्या खास बात है सर इस ब्रीड की? ये जल्दी वेट गेन कर लेती है, साफ सुथरी रहती है और जो कम खर्चे में ज्यादा मुनाफा दे देती है जी। कितना महत्वपूर्ण है सर ब्रीड का, सही ब्रीड का चुनाव करना? मैंने देखा लार्ज व्हाइट जो है, कहीं छोटी ब्रीड भी होती है, कहीं अच्छी ब्रीड होती है, तो कितना महत्व है सर ब्रीड का एक फार्म पे होना, सही ब्रीड का? जो फार्म के लिए ब्रीड का की क्वालिटी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि हमने ये देखना है कि कितने टाइम में वो 100 केजी का हो जाता है जी। जी, कई ब्रीड ऐसी है जो जल्दी वेट गेन नहीं करती, नहीं करती है, ये अच्छे से वेट गेन कर लेती है जी। बिल्कुल जी, ब्रीड अच्छी है। तो 0 से 100 केजी होने में कितना समय लगता है सर? कम से कम 7 मंथ के अंदर 100 केजी का हो जाता है। आपका क्या एरिया है पूरे शेड का सर? मेरे पूरे शेड होगा जी। जी, मेरी 6 शेड है जी, जो 100 फुट लंबी है जी, और जिसमें 16x6 के कैबिन बने हुए हैं जी, उनमें होल भी बने हुए हैं जी 25-25 फुट चौड़े फैटनर के लिए। फ्यूचर प्लान क्या है सर अभी आपका? आप जवान हैं अभी, आपने एजुकेशन खत्म करके अभी आप इसमें आए हैं, इस फार्म में आगे प्लान क्या है? इसी को आगे बढ़ाना है या इसको और किसी और रूप में आप इसको ले जाना चाहते हो? मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मैं इसको लार्ज स्केल पे ले जाऊंगा जी। आजकल ट्रेनिंग लोग बहुत करा रहे हैं, तो ट्रेनिंग में कौन सी जरूरी बातें हैं जो पता होनी चाहिए एक फार्मर को? जो ट्रेनिंग में उस सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि मेडिसिन किस किस टाइम यूज करनी है जी, जानवर यानी को फीड किस टाइम डालना है, और सर्दी के अंदर कैसे टेम्परेचर कंट्रोल करना है जी। डिलीवरी कैसे करानी है, डिलीवरी कैसे करवानी है, बच्चे की कैसे देखभाल करनी है जी।
फीड कैसे बनानी है, क्योंकि अगर फीड बनी बनाई लेगा तो उसको लॉस होगा, अगर खुद की बनाएगा तो उसमें फायदा उसको हो सकता है, दो पैसे बचाई लेगा ये। लेकिन शुरुआत जो फार्म शुरुआत कर रहा है उसको साल भर तक तो कंपनी की फीड ही लेनी चाहिए, ऐसा कुछ है सर? ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है। जो स्टूडेंट है जी या कोई किसी गाइडेंस में अगर कर रहा है तो खुद भी बना सकता है, खुद भी बना सकता है। फार्म पे कॉस्ट कटिंग कैसे कम हो सकती है सर, यानी खर्चा कैसे कम हो सकता है फार्म का? फीड का वेस्ट कम होना जी, जो यदि हमारी फीड कम वेस्ट होगी कॉस्ट कटिंग होगी। फीड का बेसिकली जो है कम खर्च होना पड़ेगा, एनिमल लार्ज स्केल पे होना, लेबर कम लगेगी जी। जी दूसरा सर ये मेरे को बताइए कि एनिमल जो है ये जो मादा है कितने बच्चे देती है? कम से कम ये हमारे फार्म पे 9 से 10 की एवरेज आ रही है जी। जीरो से 100 के जी होने में कितना समय लगता है? 7 मंथ के करीब लग जाते हैं जी। 7 महीने लग जाते हैं। कितने की फीड खा लेती है सर? कम से कम 8,000 रुपए की फीड खा लेती है जी। और क्या मुनाफा देके जाती हो? ये है जी 5 से 6 हज़ार रुपये मुनाफा दे देती है। और आपके फार्म पे कितने बच्चों के एवरेज है, कितने बच्चे तक आपके फार्म पे आते हैं यहाँ पर? एवरेज की अगर बात करें 10 आते हैं, 5 आते हैं, 7 आते हैं, ये एवरेज पूरे फार्म की जी? एक फीमेल से हमें 9 की एवरेज पड़ जाती है जी। 9 बच्चे की एवरेज आती है। दूसरा सर ये मेरे को बताइए कि आप जैसे कोई फार्म स्टार्ट कर रहा है वो क्या जरूरी बातें हैं जो उसको पता होनी चाहिए अपने फार्म की जरूर, कि तभी वो स्टार्ट करे फार्म? फार्म की स्टार्टिंग करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि फार्म किस तरह का बनना हुआ है जी, उसमें सारी सुविधा है या नहीं है जी, जो फीड किस टाइम डालना पड़ता है, ये ट्रेनिंग, या तो बंदा ट्रेनिंग कर रखी है तो फिर तो उसको ऐसी कोई परेशानी नहीं आएगी जी। यदि बगैर ट्रेनिंग के इन बातों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा जी, किस टाइम वॉशिंग करनी है, किस टाइम वो एनिमल गर्मी मान रखा है। ये कि अगर फार्म पर रह के मेहनत कर रहा है तो कोई ऐसा कारण नहीं है जिससे फार्म बंद हो जाए? नहीं है जी, बशर्ते उसको टाइम टेबल अपना मैनेज करना आना चाहिए। दूसरा सर ये बताइए, कुछ लोग कहते हैं इसमें लोन भी मिलता है, तो क्या लोन वगैरह ऐसा मिलता है इसमें? हाँ जी बिल्कुल मिलता है जी। अच्छा अच्छा, लिया है आपने? नहीं जी हमें नहीं लिया। किसी आपकी जान पहचान में किसी ने लिया है? नहीं जी, मेरी जान पहचान में किसी को जरूरत ही नहीं पड़ती है जी। पहली बात है, यदि कोई छोटे स्केल पे कर रहा है उसको थोड़ा जरूरत पड़ती है जी। सर आप हमारे युवा बेरोजगार भाई को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरे युवा भाई गाँव में रहे और इस काम को करे, शहर की तरफ ना बढ़े और इससे अच्छी इनकम प्राप्त करें। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद सर।